हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जूरोलॉजी में। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत ने वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच खेला। इस मैच में भारतीय विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी ने अनोखे अंदाज में पैरा स्पेशल फोर्स को सम्मान दिया। मैच के दौरान उनके ग्लव्स पर बलिदान बैच का चिन्ह दिखाई दिया। हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC ने धोनी को ऐसे ग्लव्स पहनने पर आपत्ति जताई है। उसने BCCI से धोनी के विकेटकीपिंग ग्लव्स से बलिदान बैच या पैरा स्पेशल फोर्स के रेजिमेंटल निशान को हटाने के लिए कहा है। आपको बता दें कि बलिदान बैच के चिन्ह का इस्तेमाल हर कोई नहीं कर सकता, इसे सिर्फ पैरा कमांडो ही लगाते हैं। पैरा स्पेशल फोर्स को आमतौर पर पैरा SF कहा जाता है। यह भारतीय सेना की स्पेशल ऑपरेशन यूनिट होती है। पैरा स्पेशल फोर्स ने ही 2016 में पाक के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। बलिदान बैच पैराशूट रेजिमेंट के विशेष बलों के पास होता है। इस बैच पर बलिदान लिखा होता है। धोनी को 2011 में सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक दी गई थी। वे यह सम्मान पाने वाले दूसरे क्रिकेटर है। उनसे पहले कपिल देव को यह सम्मान दिया गया था। धोनी ने पैरा ट्रूपिंग की ट्रेनिंग ली है। उन्होंने पैरा बेसिक कोर्स किया है। धोनी ने पैरा ट्रूपिंग ट्रेनिंग स्कूल आगरा में भारतीय वायुसेना के विमान AN-32 से 5वीं छलांग लगाकर पैरा विंग्स प्रतीक चिन्ह लगाने की योग्यता प्राप्त की थी। धोनी के इस हटके अंदाज के कारण ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया पर धोनी की खूब तारीफ हो रही है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले में सबको देखना था कि धोनी बलिदान बैच के साथ मैदान में उतरते हैं कि नहीं, पर धोनी ने ICC को रिस्पेक्ट देते हुए बलिदान बैच को अपने दस्ताने से हटा दिया। आपको और एक बात बता दें कि धोनी कोई इकलौता नहीं है जिस पर ICC ने सख्ती की हो। एक और प्लेयर है जिनको इन नियम कानूनों में फंसना पड़ा, यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल। गेल ने मैट पर यूनिवर्स बॉस का लोगो लगाने की परमिशन मांगी थी, वो भी धोनी से पहले, मगर गेल को भी ICC ने परमिशन ना देते हुए इसे नियमों का उल्लंघन माना और साफ मना कर दिया। सो फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट कर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। और एट दी एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।